नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफे ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जितने भी बिहार एसएससी 10+2 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा खबर है। यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस जो है आयोग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी कि जो ये नोटिस है आपका आज ही के डेट में अभी कुछ देर पहले आउट हुआ है। तो इस नोटिस में आखिर क्या चीज़ें दिया गया है दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो फॉर्म आपका एक्टिव था 27/9/2023 से लेकर के 11/12/2023 उसके रिगार्डिंग यहाँ पर है। बोला गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के अनुरोध में आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपका फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो गया था तो उसको सुधारने के लिए एक एडिट ऑप्शन का लिए यहाँ पर अपडेट बताया गया है कि एडिट ऑप्शन दिया जाएगा एंड उसकी मदद से जो है वो लोग अपना जो भी गलती हुआ उसको सुधार सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको बता दें कि ये कब से आपका होगा, तो यहाँ पर डेट दिखाया गया फ्रेंड्स कि जो आपका डेट है वो 18/1/2024 से लेकर के 18/2/2024 तक आपका रहेगा। इस बीच आप लोग जो भी गलती हुई आप उसको सुधार सकते हैं। इसमें दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र मतलब जो भी सर्टिफिकेट वगैरह में अगर गलती हो गया है तो उसको आप यहाँ पर सही करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी तो है ऑफिशियली जो है बिहार एसएससी के द्वारा दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर गलती हुआ था वो लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। 18 तारीख को लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो आप लोग अपना अपडेट मतलब जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यही अपडेट है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनका अभी फॉर्म में गलती हो गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। बाकी और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। उसके लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।